हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है परिहार टेक यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप भी मैक्रोलर की मदद से ऐप बनाते हो या फिर कैसे तो कोडुलर की मदद से एप्लीकेशन बनाते हो तो आपको कभी ना कभी लैग इशू जरूर हुआ होगा, यानी कि आपका जो बिल्डर है वो पूरा लैग करता है या फिर जो ब्राउजर है वो पूरा लैग करने लग जाता है, क्योंकि मैक्रोलर में जो रिसोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, उसकी लाइब्रेरी काफ़ी बड़ी है, इसलिए जो है हमारा बिल्डर पूरा लैग करने लगता है। तो गाइस इसका एक सोल्यूशन मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ, तो ये वीडियो अंत तक देखते रहिए, आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा किस तरीके से आप बिना लैग फेस किए कोई भी बड़े से बड़ा एप्लीकेशन बना सकते हो बहुत ही इजीली। तो गाइस अभी आप देख सकते हो मैंने जो कोडुलर ओपन किया हुआ है, यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट ओपन किया, यहाँ पे इस जो स्क्रीन मैंने ओपन किया इसमें से 500 फॉर ब्लॉक है और ये पूरा अभी लैग कर रहा है बिल्कुल, यानी कि ये जो है मैंने इसको क्लीन अप किया था इन सभी ब्लॉक को और ये अभी वर्क नहीं कर रहा। आप ऊपर देख सकते हो अनरेस्पॉन्सिव आ चुका है यहाँ पे, यानी कि रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, पेज जो है एकदम स्टेक हो चुका है। करीबन करीबन एक मिनट तक जो ऐसे ही रुका रहा था, उसके बाद जो है ये फिर से वर्क करना स्टार्ट किया था। अभी आप देख सकते हो ये बिल्कुल चल रहा है फिर से, ठीक है। तो यानी कि इतनी देर तक जो ये लैग हुआ था और मैंने जो भी बटन पहले क्लिक किए थे वो सब अब वर्क कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर ब्लॉक से 504 ब्लॉक है और उसके अलावा जो ये कैसे कैसे लैग कर रहा है ये सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा किस तरह ये लोग लैग जो है आप सॉल्व कर सकते हो। अभी आप देख सकते हो 504 ब्लॉक है और इसको मैं करता हूँ, ठीक है, इसको इनेबल कर दिया अभी। और अब आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे कि हम जैसे इसको मूव कर रहे हैं ना वहाँ पे ये लैग कर रहा है, जैसे कि अभी इस ब्लॉक को मैंने मूव किया यहाँ पे ये लैग कर रहा है, ठीक, बीच में अटक रहा है। और उसके बाद जब इसको हम फिर से कहीं पे भी ड्रॉप करते हैं यानी कहीं पे भी लगा देते हैं इस ब्लॉक को, उसके बाद अगर हम इस पर क्लिक करते हैं ना तो वो भी काफ़ी देर के बाद रिस्पॉन्स कर रहा है। अभी मैंने क्लिक कर दिया है और अब देखिए मेरे माउस का कर्सर वहाँ पे था, फिर ये इतनी देर के बाद ये रिस्पॉन्स कर रहा है। यही जो है लैग हमको फेस करने को मिल रहा है, ठीक है। अभी इसके अंदर 504 ब्लॉक है और हमें यहाँ पे लैग देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि एक और स्क्रीन है जिसके अंदर इससे भी ज़्यादा ब्लॉक है लेकिन उसमें कोई भी लैग हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस अभी आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक दूसरा प्रोजेक्ट यहाँ ओपन किया है और यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट 570 प्लस ब्लॉक यूज़ किया है, ठीक है, तो भी ये बिल्कुल भी लैग नहीं कर रहा है, एकदम अच्छे से वर्क कर रहा है। जैसे मैंने क्लीन अप ब्लॉक्स किए, कोलैप्स किए, एकदम अच्छे से ये वर्क कर रहा है, कोई भी यहाँ पे इशू नहीं हो रहा है। लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको बताया था उसके अंदर 504 ब्लॉक थे और वो काफ़ी ज़्यादा लैग कर रहा था, इसका क्या रीज़न है वो मैं आपको बताऊंगा आगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक और प्रोजेक्ट जहाँ मैंने ऑलमोस्ट 1500 प्लस ब्लॉक यूज़ किए और फिर भी हमें कोई इशू वहाँ पे नहीं हुआ है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने यूज़ किए 1500 प्लस ब्लॉक और हमें यहाँ पे कोई भी इशू अभी नहीं हो रहा है, बिल्कुल अच्छे से ये वर्क कर रहा है। और साथ ही साथ जो है इसके अंदर डन काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्स भी है, मैंने एक ही स्क्रीन पर उसको बनाया है और कोई भी इशू हमें यहाँ नहीं हो रहा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे ऑलमोस्ट 1500 प्लस ब्लॉक है यहाँ पे, इन सबको हम कोलैप्स कर लेते हैं एक बार और फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या कोई इशू हमारे कर रहा है या फिर नहीं। उसको कहते हैं कोलैप्स ब्लॉक, उसके बाद हम उसको करेंगे क्लीन अप। तो अभी आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छे से ये चल रहा है, एकदम कोई भी इशू हमें यहाँ पे नहीं हो रहा है। अभी इनको क्लीन अप कर लेते हैं एक बार फिर आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1500 प्लस ब्लॉक है फिर भी कोई इशू नहीं हो रहा, लेकिन उससे पहले हमें 504 ब्लॉक पे ही तो काफ़ी ज़्यादा लैग देखने को मिल रहा था। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ ब्लॉक ज़्यादा होने की वजह से इशू होता है, ब्लॉक ज़्यादा होते तो ही लैग होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ अलग रीज़न है जिसकी वजह से इतना पूरा हमें इशू देखने को मिला, इतना ज़्यादा लैग देखने को मिलता है, उसका कुछ और कारण है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो गाइस अभी मैं यहाँ पे आपको कोई प्रैक्टिकल दिखाऊं, उससे पहले मैं आपको कुछ थ्योरी समझा देता हूँ कि कैसे ये वर्क करेगा और क्यों ये लैग नहीं करता था 1500 ब्लॉक पे और क्यों लैग कर रहा है इसी 500 ब्लॉक पे। उसके लिए मैं आपको चलता हूँ यहाँ पे लेके चलता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कुछ एक टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे, वो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप आपका एप्लीकेशन स्क्रीन वन पे बना रहे हो, यानी पूरे अगर आपका एप्लीकेशन सिर्फ एक स्क्रीन पे बना रहे हो आप, या फिर स्क्रीन वन जो होती है जो फर्स्ट स्क्रीन होती है बाय डिफॉल्ट, उस पर अगर आपका पूरा एप्लीकेशन बनता है तो आपको बहुत ही कम लैग देखने को मिलेगा। स्क्रीन वन पे 2000 प्लस ब्लॉक तक कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा आपको, और ये मैं बता रहा हूँ 4GB रैम वाली पीसी जो होती है उसके लिए। अगर आपके 2GB रैम है तो 1500 ब्लॉक तक आपको कोई भी इशू नहीं होगा, लेकिन अगर 4GB रैम है तो 2000 ब्लॉक तक बिल्कुल भी इशू आपको नहीं होने वाला है। और अगर और हाई एंड पीसी आपके पास 8GB रैम वाला पीसी है तो 3000 ब्लॉक तक भी कोई लैग नहीं होगा। 4GB रैम वाले पीसी के लिए बता देता हूँ मैं आपको अभी यहाँ पे, बाकी आप अंदाज़ा लगा लेना। तो 2000 ब्लॉक अगर आप बना लगाते हो 4GB पीसी में, अगर आप 2000 ब्लॉक तक का कोई भी एप्लीकेशन बनाते हो स्क्रीन वन पे कोई भी लैग नहीं होगा। 3000 ब्लॉक में थोड़ा थोड़ा लैग हो सकता है और 5000 ब्लॉक अगर आप यूज़ करते हो यानी एक ही स्क्रीन पे तो आपको लैग होगा। ये बता रहा हूँ मैं आपको सिर्फ स्क्रीन वन के लिए, अगर आपका एप्लीकेशन एक ही स्क्रीन पे आप बना सकते हो तो कोशिश कीजिए उसको एक ही स्क्रीन पे बनाए, क्योंकि उससे एप्लीकेशन फास्ट भी चलेगा और जो है बिल्डर भी आपका लैग नहीं करेगा। लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करते हो तो उस केस में जो है आपको लैग देखने को मिलेगा, इस बात की गारंटी है। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि स्क्रीन वन के लिए मैं आपको बता दें ये होगा, लेकिन अदर स्क्रीन के लिए क्या होगा वो भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ।
ठीक है। तो अदर स्किन के लिए कुछ ऐसा है कि 500 ब्लॉक तक तो आपका लेक नहीं करेगा, इन केस अगर आपके स्किन वन पर 1500 तक ब्लॉक है, लगभग 500 ब्लॉक अगर आपके स्किन वन पे है, तो अदर स्किन जो है वो 500 ब्लॉक तक तो लेग नहीं करेगा, लेकिन 500 के बाद थोड़ा थोड़ा लेग करना स्टार्ट कर देगा। 300 ब्लॉक है तो लेग नहीं करेगा, लेकिन ज़्यादा ब्लॉक अगर आपके स्किन वन पे थोड़े बहुत भी ब्लॉक होंगे और अदर स्किन जो भी होगी स्किन वन के अलावा, यानी स्किन वन जो होती है वो बाय डिफॉल्ट स्किन होती है जिसको हम नेम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद जो भी आप एड स्किन करोगे ना, वो वहाँ पे अदर स्किन पर 500 से लेकर 1000 ब्लॉक अगर आपके होंगे तो वो हल्का हल्का लेग स्टार्ट कर देगा, और उसके बाद जैसे जैसे आपके ब्लॉक बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लेग बढ़ता जाएगा। तो मैंने आपको एक बेसिक चीज़ बता दी कि ये कैसे वर्क करता है, स्किन वन बिल्कुल भी लेग नहीं करेगा 2000 ब्लॉक तक, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा लेग स्टार्ट हो जाएगा, और 5000 तक ब्लॉक अगर आप करोगे तो हल्का बहुत लेग होगा, लेकिन उसके बाद जो ज़्यादा लेग होना शुरू हो जाएगा स्किन वन पे। अदर स्किन जो है वो 500 से 1000 तक हल्का हल्का लेग स्टार्ट कर देगा, और उसके बाद जैसे ब्लॉक बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लेग बढ़ता जाएगा, और काफ़ी ज़्यादा अगर आपके ब्लॉक होंगे यानी 1500 तक भी ब्लॉक चले जाएंगे अदर स्किन पे, तो काफ़ी ज़्यादा लेग आपको देखने को मिल सकता है। ये मैं जो भी आपको बता रहा हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मैंने फील किया है वो बता रहा हूँ, और ये ट्रिक जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये मेरे लिए हमेशा वर्क किया है, तो वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो गाइस अभी हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि आगे आपको क्या करना है। तो आपको सिंपल से कोडुलर पे जाना है, और जो भी प्रोजेक्ट आपको बनाना है उसके अंदर कितनी स्किन है पहले आपको डिसाइड कर लेना है, उसके बाद उतनी प्रोजेक्ट क्रिएट करने। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बना रहा हूँ स्किन वन करके एक प्रोजेक्ट, जहाँ पे हम स्किन वन को डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि हमारी जो स्किन वन है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जो स्किन वन होती है वो लेग नहीं करती है। तो हम यहाँ पे स्किन वन का मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, और यहाँ पे हम हमारी मेन स्किन जो भी होगी यानी स्किन वन जो भी होगी हमारे एप्लीकेशन की, वो यहाँ पे हम यहाँ पे डिज़ाइन कर लेंगे। तो मैं सिंपल सा आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, और जल्दी से जो डिज़ाइनिंग है वो कंप्लीट करके आगे आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो डिज़ाइन आप कैसा भी कर सकते हो, जैसा आपको डिज़ाइन चाहिए वैसा आप कीजिए, जितना हाई एंड बनाना वैसे कीजिए, सिर्फ कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, वो मैं आपको आप ब्लॉक सेक्शन में बता दूंगा। बाकी अगर आपको यहाँ पे ट्रिनिटी भी यूज़ करना है, फायरबेस यूज़ करना है, एयरटेबल यूज़ करना है, कुछ भी यूज़ करना है आप बिल्कुल बिंदास कर सकते हो, सिर्फ छोटा मोटा चेंज आपको ध्यान में रखनी, छोटी मोटी बातें वो मैं आपको यहाँ पे आगे बता दूंगा। तो अभी आप ब्लॉक सेक्शन में हम आ गए हैं, और ब्लॉक सेक्शन में जो मेन बात ध्यान रखनी है वो है ओपन अनदर स्क्रीन वाला ब्लॉक। क्यों ओपन करना है स्किन में आप क्या नाम दोगे, जैसे मान लो मैंने बटन वन क्लिक किया और यहाँ पे मुझे ओपन करनी है स्किन टू जो है उसको ओपन करना है, तो अभी हमारे पास तो यहाँ पे कोई स्किन है ही नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ एक ही स्किन पे इसको बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे ये करेंगे कि हम एक पहले से ही एक लिस्ट बना लेंगे जिसके अंदर हम यहाँ पे सभी स्किन के हम नाम रख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन उसके अंदर तीन स्किन होने वाली है, एक स्किन वन होगी जो कि बाय डिफॉल्ट होती है, उसके बाद स्किन टू हो सकती है, मेन हो सकती है, होम हो सकती है, कुछ भी आप यहाँ नाम दे सकते हो। मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ इसको मेन, बाकी जो है आपको मैं यहाँ पे आगे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो एक हो गई मेरी स्किन वन, सेकंड हो गई मेन, और थर्ड हो गई हमारी लास्ट। ठीक है, ये मेरी तीन स्किन इस एप्लीकेशन में होगी, तो हमने यहाँ पे तीन के नेम दे दिया, और नेम आपको पहले से ही डिसाइड करके रखने ताकि आपको ब्लॉक में कोई भी इशू ना हो। तो हमने यहाँ पे नेम डिसाइड कर लिया स्किन वन, मेन और लास्ट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही बटन वन क्लिक होगा तो मेन जो स्किन है जो कि हमारी सेकंड स्किन होने वाली है उसको हम यहाँ पे कॉल करवाएंगे, यानी कि उसको ओपन कर देंगे। ठीक है, ये मैंने लगा दिया यहाँ पर, और यहाँ पे हमने लिख दिया यहाँ से लेके नेम, सेकंड था हमारा मेन, तो हमने मेन जो है यहाँ से लिख दिया यहाँ पे। तो जैसे ही बटन वन क्लिक होगा हमारी मेन स्किन यहाँ पे ओपन हो जाएगी, और उसके बाद इसको डुप्लीकेट करके हमने यहाँ पे थर्ड स्किन जो है उसको ओपन करना है। तो बटन टू पे क्लिक पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी थर्ड स्किन थी लास्ट उसको हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ओके, तो इस तरह से आपको जो स्किन नेम है वो पहले से डिसाइड करके रखनी है ताकि बाद में कोई भी इशू आपको ना हो। ठीक है, ये हो गया हमारा एक प्रोजेक्ट बन गया, बेसिकली हमारी एक स्किन जो है पूरी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे आप जैसा चाहे वैसा डिज़ाइन कर सकते हो, हाई एंड कर सकते हो, यानी कि 2000 3000 ब्लॉक तक का भी आपका एक स्किन हो सकता है। और ये चीज़ मैंने की है ऑलरेडी स्मार्ट टूल में, मैंने ये चीज़ करके देखी है कि 2000 ब्लॉक तक भी कोई भी लेग आपको नहीं देखने को मिलेगा, और बाद में उन AI को आप मर्ज करोगे कोई भी इशू आपको नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा काम यहाँ पे हो चुका है। अभी हम यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे यहाँ पर, और उसका वो हम करेंगे सेकंड स्किन के लिए। तो फर्स्ट हो गया हमारा स्किन वन, मेन स्किन जो होगी हमारी ये होगी, उसके बाद सेकंड स्किन की वो है उसका नेम हमने दिया है मेन। तो मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया मेन लिखकर, और उसको हम करते क्रिएट, और उसको करते ओपन। उसके बाद इसको भी हमें डिज़ाइन करना है, जैसा आप चाहिए वैसा डिज़ाइन कर सकते हो। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ असेट यूज़ करने वाला हूँ, नॉर्मल डिज़ाइन करने वाला हूँ, और उसके अलावा यहाँ पे मैं कुछ जो है एक एक्सटेंशन भी यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि हमारा जो एप्लीकेशन हम बनाते हैं नॉर्मली उसके अंदर हमारे एक्सटेंशन भी होते हैं, असेट भी होता है, यानी कि कुछ इमेज वगैरह भी होती है, कुछ फाइलें भी होती है। तो सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार जो मैंने वीडियो बनाया था कॉपी स्किन वाला उसके अंदर मैंने ये सब कुछ नहीं बताया था, आपको सिर्फ कॉपी स्किन, रीनेम स्किन का ही बताया था, मर्ज AI का बताया था। तो इसके अंदर मैं आपको सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। तो असेट के लिए हमने यहाँ पे एक इमेज अपलोड कर दिया है। ओके, उसके अलावा हम यहाँ पे एक जो है एक्सटेंशन भी अपलोड कर लेते हैं, कोई भी एक्सटेंशन मैं यहाँ से ले लेता हूँ एक सिंपल सा, और उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ।
ओके, तो हमारा एक्सटेंशन अपलोड हो चुका है, इमेज अपलोड हो चुका है, इसको हम पूरा सेट कर लेते हैं, डिज़ाइन पूरा जैसे कि वैसा कर लेते हैं। उसके बाद ब्लॉक सेक्शन में जाएंगे और कुछ जो नॉर्मल ब्लॉक हम करते हैं जैसे हम यहाँ पे नॉर्मल ब्लॉक कर देंगे। तो बात आपको वही ध्यान में रखनी कि ओपन अनदर स्क्रीन जहाँ पे भी आप यूज़ कर रहे हो वहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी कि जो स्क्रीन का नेम आप दोगे ठीक है वो आपको बहुत ध्यान से देना है ठीक है, क्योंकि जो भी आपने लिस्ट में पहले से नाम दिया उनमें से कोई नेम आपको देना है, क्योंकि वही स्क्रीन आपके फाइनल एप्लीकेशन में होगी। अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही स्क्रीन है सभी प्रोजेक्ट के अंदर, लेकिन फाइनल एप्लीकेशन में सिर्फ वो तीनों ही स्क्रीन होगी जो मैंने आप पहले से नाम दिया है। इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ठीक है। उसके अलावा अगर आप टीनीडीपी वगैरह यूज़ कर रहे हो तो टैग जो होंगे वो टैग सभी में कॉमन होंगे, तो टैग का आपको ध्यान रखना है कि टैग भी आप एक बार लिस्ट बना लीजिए पहले अगर आप कर रहे हो तो आप टीनीडीपी वगैरह यूज़ कर रहे हो, टीनीडीपी फायरबेस वगैरह यूज़ कर रहे हो, टैग की पहले लिस्ट बना लीजिए उसके बाद उसको वर्क कीजिए। अभी आप थर्ड प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं हम लास्ट लिखकर उसको करते हैं नेक्स्ट और इसमें आगे देखते हैं कि क्या होता है। ओके, तो हमारा प्रोजेक्ट अब क्रिएट हो चुका है, इसको भी मैं नॉर्मल था जल्दी से डिज़ाइन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे का आपको दिखाता हूँ कि आगे आपको क्या करना है। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे बेसिकली दो एक्सटेंशन इंपोर्ट कर रहा हूँ और कुछ असेट भी यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेंगे ताकि हमारा जो एप्लीकेशन है उसमें स्क्रीन भी चेंज लगे और हाँ साथ में जो असेट जो है कैसे मूव करवाना है वो भी मैं आपको यहाँ पे समझा पाऊँ। तो सिंपल था, हमने यहाँ पे असेट अपलोड कर लिए हैं कुछ और अब आगे आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जब हम नॉर्मल से डिज़ाइन कर लिया है, असेट अपलोड कर लिए हैं यहाँ पे सिंपल से और जो नॉर्मल डिज़ाइनिंग हमारी हो चुकी है, अब मैं आपको इसके भी ब्लॉक दिखा देता हूँ। ब्लॉक इसके हम सिंपल रखने वाले, कुछ ज़्यादा हैवी ब्लॉक यहाँ पे नहीं करेंगे। ओके, तो ब्लॉक सेक्शन में सिंपल तो मैं यहाँ पे इमेज क्लिक कर रहा हूँ, एक ही ब्लॉक लगाएंगे, एक दो ब्लॉक ही लगाएंगे क्योंकि हमें ब्लॉक ज़्यादा लगाने को आवश्यकता नहीं है। बाकी आप जो भी आप बना रहे हो एप्लीकेशन उसमें जैसे चाहे वैसे ब्लॉक लगा सकते हो। तो ये हमारे जो तीन प्रोजेक्ट बन चुके हैं इसके अंदर हमने तीन स्क्रीन डिज़ाइन किए, स्क्रीन वन पर एक स्क्रीन डिज़ाइन की हमने, हमारी फर्स्ट स्क्रीन होगी वो मेन पे हमारी स्क्रीन होगी वो होगी मेन, लास्ट में जो स्क्रीन होगी वो होगी लास्ट ठीक है। ये तीन प्रोजेक्ट है, तीनों में एक एक स्क्रीन है, वो तीनों स्क्रीन जो है हमें एक एक एप्लीकेशन के अंदर लगानी है और सारे जो असेट और हमारे जो भी एक्सटेंशन हमने यूज़ किए वो भी हमें एक एप्लीकेशन से यानी एक प्रोजेक्ट से सिर्फ सभी प्रोजेक्ट से एक प्रोजेक्ट के अंदर मूव करने हैं ताकि हमारा जो एक ही एप्लीकेशन जो है यहाँ से एक्सपोर्ट होगा और उसके अंदर हमारा सारा काम हमसे अच्छे से कर लेंगे। ओके, तो हमने तीनों जो AI इन तीनों के वो डाउनलोड कर लिए, तो आपको क्या करना है सबकी AI डाउनलोड करनी है और उनको डाउनलोड करने के बाद एक सेपरेट फोल्डर में मूव कर लीजिए। तो वो मैं अभी कर चुका हूँ, तीनों AI मैंने यहाँ पे डाउनलोड किए, तीनों को एक सेपरेट फोल्डर में मूव कर लिया है। तो अब इसके बाद जरूरी है कि आपने मेरा जो पहले वाला वीडियो था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कॉपी स्क्रीन कैसे कर सकते हो आप, एक AI से दूसरी AI में कैसे AI मर्ज कर सकते हो या फिर स्क्रीन रीनेम कैसे कर सकते हो, तो वो अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो वो आप देख लो क्योंकि उसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली इस आगे वाली ट्रिक में। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी मेन प्रोजेक्ट वन था हमारा यानी स्क्रीन वन वाला जो प्रोजेक्ट था उसको हम रीनेम कर लेंगे यहाँ पे और वो दे देंगे इसका नाम जो भी हमें अपने एप्लीकेशन का नाम रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर रखा है डेमो ऐप ठीक है, तो ये मुझे अपने एप्लीकेशन का नाम रखना है डेमो ऐप, तो मैंने यहाँ पर दे दिया डेमो ऐप। उसके बाद आपको ये जो है फाइलें ओपन करनी है। तो फाइल ओपन आप कैसे करोगे मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ। इसके लिए आपको 7-zip की जरूरत पड़ेगी, तो 7-zip जो है आपको पहले ही इंस्टॉल करके रखना है अपने PC में। वो मैं आपको पहले ही बता चुका था, एक एप्लीकेशन पहले जो हमारा कॉपी स्क्रीन वाला वीडियो था उसके अंदर मैं आपको बता दिया है कि 7-zip क्या है, कैसे वर्क करता है। तो 7-zip और Notepad++ ये दोनों सॉफ्टवेयर आपको अपने PC में इंस्टॉल करके रखने हैं क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सॉफ्टवेयर और काफ़ी जगह काम भी आते हैं। तो जैसे एडिट करना है Notepad++ काम आएगा और कोई भी फाइल एक्सट्रैक्ट करनी है तो 7-zip आप यूज़ में आता है। तो ये दोनों सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करके रख लीजिए और उसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ आगे आपको क्या करना है। तो ये हमारे जो तीनों हैं इन तीनों को मैं आपको ओपन कर रहा हूँ, तीन फाइलें हमारी यहाँ पे बेसिकली, तो तीनों फाइलों को हम यहाँ पे बेसिकली ओपन करने वाले हैं। उसके बाद इनके असेट मूव करेंगे, इसमें जो हमने एक्सटेंशन यूज़ किया उसको मूव करेंगे, उसके बाद जो हमारी कॉपी है स्क्रीन देन जो हमारे स्क्रीन से अलग अलग उनको भी आप रीनेम करके कॉपी करेंगे। तो बेसिकली ये जो मेथड है इसको आप बहुत जगह पे यूज़ कर सकते हो। अगर आपको स्क्रीन कॉपी करनी है, स्क्रीन रीनेम करना है, असेट मूव करना है, एक्सटेंशन कॉपी करना है, एक AI से दूसरी AI में AI मर्ज करनी है, उसके अलावा आप कई जगह इसको यूज़ कर सकते हो। मैं ये ट्रिक काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और बिल्कुल अच्छे से ये वर्क करती है हमेशा। ओके, तो ये हो चुका है हमारा काम। यहाँ पे आप देख सकते हो जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है हमारा, जो मेन प्रोजेक्ट था हमारा जो डेमो ऐप वाला प्रोजेक्ट है ठीक है, उसके अंदर आपको यहाँ पे कोई असेट फोल्डर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन बाकी दोनों में आपको असेट फोल्डर देखने को मिल रहा है। तो आपको बाकी दोनों का जो असेट फोल्डर है वो इसके अंदर मूव करना है। फर्स्ट वाली ये जो आपको फर्स्ट वाला बॉक्स दिख रहा है ना, इसके अंदर बाकी दोनों से असेट फोल्डर मूव करना है, लेकिन आप एक ही असेट फोल्डर को मूव कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, पहले इस जो प्रोजेक्ट है थर्ड वाला, इसमें से जो फाइलें हैं वो सभी आप मूव कर देंगे सेकंड वाले में, उसके बाद उसको मूव करेंगे हम थर्ड वाले में ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो क्या करना है, आपको जो फाइल है उसको सिलेक्ट करना है और इसके अंदर असेट फोल्डर में मूव कर देनी है। उसके बाद इसके अंदर एक एक्सटर्नल कंपोनेंट का एक फोल्डर होता है,
उसके अंदर आपको जो है सारे एक्सटेंशन मूव कर देने हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पूरा असेट फोल्डर जो है इसको यहाँ पे मूव कर दिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हो अच्छे से ये आ भी चुका है। मैं आपको सिंपल सा बताया तो फिर से यहाँ पे एक बार कि जो असेट फोल्डर है, ठीक है, ये हमने इस तरह से ओपन की सभी एरिया को। उसके बाद असेट फोल्डर जो है ना उसमें जाना है हमें यहाँ पे, और एक्सटर्नल कंपोनेंट का एक फोल्डर मिल जाता है उसके अंदर से हम एक्सटेंशन कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं आप सिंपल सा, और यहाँ पे भी इसमें भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने एक्सटेंशन यूज़ किया सभी, इन सबको हम क्या कॉपी सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग करेंगे इसके अंदर, उसके बाद यस करेंगे और सारे इसमें कॉपी हो जाएंगे। ये हो गया हमारा काम। उसके बाद हम चाहेंगे असेट की सारी फाइलें लेंगे, सिलेक्ट करेंगे इनको और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यस कर देंगे, वो सारी फाइलें भी यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको असेट और जो एक्सटेंशन आपने यूज़ किए वो इस तरह से मूव करने। उसके बाद हमारी मेन मेथड आती है, वो है कि स्क्रीन कॉपी कैसे करते हैं, क्योंकि स्क्रीन कॉपी में आपको थोड़ा ध्यान देना है, तो वो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि स्क्रीन कॉपी में बहुत से लोग इशू कर देते हैं, गलती कर देते हैं, कुछ छोटी मोटी गलती कर देते हैं जिससे कि जो है ये वर्क ही नहीं करती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये भी हमने यहाँ पे जो है असेट और जो एक्सटेंशन वो कॉपी कर दिया। अब SRC का जो फोल्डर इसमें जाना है, ठीक है, तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, उसको क्लोज करके यहाँ पे और फिर आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो मान लीजिए हमने जो ए है मेन वाली, इसको डबल क्लिक करके ओपन किया, यहाँ पे आ गई। इसमें SRC का एक फोल्डर है, इसमें जाना है, SRC का फोल्डर ओपन करना है। इसमें IO का फोल्डर इसको ओपन करना है, कोडुलर का फोल्डर इसको ओपन करना है, आपकी मेल आईडी से एक फोल्डर बना होगा यहाँ पे उसको ओपन करना है, फिर आपको जो प्रोजेक्ट नेम है उसका फोल्डर है उसको यहाँ पे ओपन करना है। ये हमने ओपन किया यहाँ पे सिंपल सा। उसके बाद यहाँ पे दो फाइल मिलेगी हमें, स्क्रीन वन की दो फाइल यहाँ पे मिलेगी। तो उन दोनों को हम क्या, इन दोनों फाइलों को हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है और ड्रॉप कर देना है इस फोल्डर के बाहर, यानी कि जो हमारा बॉक्स आया था बॉक्स के बाहर इसको ड्रॉप करना है और इन दोनों को रीनेम कर देना है। ठीक है, आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये जो है मेन स्क्रीन थी हमारी। ठीक है, तो मेन वाली जो ये है, ये दोनों जो आपको दिख रही है स्क्रीन वन की दो फाइलें दिख रही है यहाँ पे, तो ये दोनों मेन की फाइल है। तो इन दोनों को हम रीनेम करके मेन कर देंगे ताकि जो हमें पता चल सके कि ये हमारी मेन स्क्रीन है। ओके, ये हो गया मेन। अब क्या करेंगे, हम दोनों को एडिट करेंगे। तो एडिट विथ नोट पैड प्लस प्लस, इन दोनों को सिलेक्ट किया, एडिट विथ नोट पैड प्लस प्लस किया यहाँ से, और ये नोट पैड में ओपन हो जाएगी। तो नोट पैड के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो वहीं से आपको इसको इंस्टॉल भी करना है और अपने पीसी में इंस्टॉल रखना भी, इससे आप बहुत कुछ कर सकते हो। हमने सिंपल है नोट पैड प्लस प्लस में दोनों फाइलों को यहाँ पे ओपन कर दिया है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों फाइलें जो मेन वाली, या ऊपर जाना सर्च में और यहाँ से आपको लेना है एक रिप्लेस का ऑप्शन है, उस पर जाना है। ठीक है, उसके बाद जब फाइंड वोट, फाइंड वोट पर आपको क्या करना है, स्क्रीन वन लिखना है और रिप्लेस विथ जो है उसके अंदर आपको क्या करना है, वहाँ पर लिखना है मेन। फाइंड वोट पर स्क्रीन वन लिखा हमने और रिप्लेस में मेन लिखा। मेन क्यों लिखा, क्योंकि हमें इसको रीनेम करके मेन करना है। तो हमने मेन कर दिया, उसके बाद इसको रिप्लेस ऑल कर दिया, और जो भी रिप्लेस होगा वो आपको दिख जाएगा आप कितने रिप्लेस हुए हैं। और उसके बाद जो है इसको क्रॉस करना है, क्रॉस करना है और इसको लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे सेव का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, राइट क्लिक करोगे इस पर सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से सेव इसको कर देना है। दोनों सेव यहाँ पे कर लिए हैं, और सेव करने के बाद में क्या करना है, हमें फिर से जो लास्ट वाला हमारी जो ए थी इसको ओपन करना है। ठीक है, पहले वाले को हमने मेन को क्रॉस कर दी, लास्ट वाली जो ए है इसको ओपन करना है यहाँ पर। इसमें भी जाना है SRC IO कोडुलर, हमारी मेल का जो फोल्डर से फोल्डर ओपन करने के बाद जो दोनों स्क्रीन वन की फाइल है, इन दोनों फाइलों को ड्रॉप करना है इसी फोल्डर में यहाँ पर बाहर, और यहाँ पर इसको करना है रीनेम, और फिर इसको रीनेम करके हम करेंगे लास्ट, क्योंकि हमारी थर्ड स्क्रीन है उसके नाम था लास्ट, तो इन दोनों को रीनेम करेंगे यहाँ से और कर देंगे इसको लास्ट। ये हो गया हमारा लास्ट। उसके बाद एंटर, इन दोनों को फिर से एडिट विद नोटपैड कर देंगे यहाँ पे सिंपल सा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एडिट विद नोटपैड हमने कर दिया, इसमें जाएंगे ऊपर सर्च में और रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो चलते सर्च में और यहाँ पे हम करते हैं रिप्लेस। यहाँ पे हमने ऊपर देना है फाइंड बोर्ड में स्क्रीन वन, और नीचे देना है मेन की जगह पर हमें यहाँ पे देना है लास्ट। लास्ट दिया हमने यहाँ पे, उसके बाद उसको रिप्लेस ऑल कर देंगे। उसके बाद जो है यहाँ से ऊपर से दूसरी फाइल सिलेक्ट करके उसको भी रिप्लेस ऑल कर देंगे, इसको क्रॉस कर दिया हमने। ठीक है, तो दोनों फाइलों के अंदर हमको रिप्लेस ऑल करना है, उसके बाद दोनों को सेव कर देना है, और दोनों को सेव करने के बाद में हमें क्या करना है, फिर से आपको फोल्डर में जाना है जहाँ पे ये फाइल हमने मूव की थी। तो हम यहाँ पे कर चुके हैं दोनों को काम, दोनों को एडिट कर चुके हैं यहाँ पे, और ये चारों फाइलें हमारी हो चुकी है जो कि हमने यहाँ पे एडिट की थी। अब इन चारों फाइलों को आप डेमो ऐप वाली ये है उसके अंदर मूव करनी है। तो वो कैसे करेंगे, सिंपल सा, जो आपका जो वाली पहले जो हमने AI ओपन की इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, और फिर जो डेमो ऐप वाली जो AI है ना इसको हमें यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो डबल क्लिक करते हैं सिंपल सा इस पर, और इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन होने के बाद इसमें भी SRC का फोल्डर उसमें जाना है, और सारे फोल्डर ऐसे ओपन करते जाना है, और उसके बाद जो हमारी दोनों फाइलें थी स्क्रीन वन की वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी, जिसको हम फिर से ओपन कर लेते हैं यहाँ पे सिंपल सा। और यहाँ पे हमें फाइलें मिल जाएगी दोनों SRC की, यानी कि दोनों जो हमारी स्क्रीन वन की फाइलें थी वो यहाँ पे मिल जाएगी। ये मिल चुकी हमें दोनों फाइलें, और अब हमें वो चारों फाइलें जो कि हमने यहाँ पे एडिट की थी, लास्ट वाली दोनों और मेन वाली दोनों, उन चारों को इसके अंदर मूव करना है। तो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इसके अंदर, और यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है।
तो अभी हमारा जो है AI हमारी मर्ज हो चुकी है, तीन AI थी, तीनों AI के सारे एक्सटेंशन और जो सारे इमेज थे वो हमने यहाँ पे मूव कर दिए हैं, और जो स्किन थी वो भी हमने यहाँ पे मूव कर दी है। अभी यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे AI को, यहाँ पे देखते हैं कोई इशू हमें हुआ है या फिर अच्छे से वर्क कर रहा है। तो ये रही हमारी AI है, इसको हम करते हैं यहाँ पे इंपोर्ट और देखते हैं क्या होता है। तो वैसे मुझे पता है कि एकदम अच्छे से वर्क करेगा, अब देख लेते हैं आपकी आपको मैं दिखा देता हूँ कि कुछ भी इश्यूज में हो रहा है या नहीं और ये कैसे अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं। तो वेट करते हैं इसके इंपोर्ट होने तक का। ओके, तो ये मेरी AI यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है, तीन स्किन थी यहाँ पे, स्किन वन, मेन और लास्ट, वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे स्किन वन आ रहा है और इस पर क्लिक किया, देखिए मेन और लास्ट दोनों स्किन यहाँ पे आ रही है, कोई भी इशू नहीं है, बिल्कुल अच्छे से ये चल रहा है, कोई भी इसमें एरर भी नहीं आया है और एकदम अच्छे से बिंदास से वर्क कर रहा है। अब हम चलते हैं ब्लॉक स्ट्रक्चर में और मैं आपको ब्लॉक भी इसके दिखा देता हूँ कि ब्लॉक में अगर कुछ हमें इशू हुआ है या नहीं और क्या एकदम अच्छे से वर्क कर रहा है। मेन बात आपको ध्यान देने वाली थी वो यही थी कि ओपन अनदर स्क्रीन वाला ब्लॉक जहाँ पे भी यूज़ करो वहाँ पे ध्यान देना है, और टीनडी भी वगैरह यूज़ करो तो टैग का आपको ध्यान रखना है, बाकी कोई भी इशू आपको यहाँ पे होने वाला नहीं। और ये तरीका आप यूज़ कर सकते हो लेग को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि स्क्रीन वन पे बिल्कुल कम लेग होता है, ना के बराबर लेग होता है, 2000 ब्लॉक तो बिल्कुल लेग आपको नहीं मिलेगा स्क्रीन वन पे। इसलिए आप जो है अलग अलग प्रोजेक्ट बनाकर वहाँ पे स्क्रीन वन जो है आप डिज़ाइन कीजिए और उसके बाद अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग स्क्रीन को बनाइए, उसके बाद इस तरीके से आप ये मर्ज कर दीजिए और आपका जो एप्लीकेशन है वो बनकर तैयार हो जाएगा और बहुत ही कम आपको लेग फेस होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कोई भी इशू हो रहा है स्क्रीन कॉपी में, स्क्रीन मर्ज में या फिर कोई और क्वेश्चन है आपका थंडरबोल्ट एपिबोल्डर कोडुलर से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। तो मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।